Hey guys, this is Shweta Singh and you are watching me on my YouTube channel Fit Funda Shweta Singh. So guys, पहले तो आप सभी को really sorry कि मैं इतने दिन से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई. So मैं आपको उसका रीज़न देना चाहती हूँ. सबसे पहले कि मैं घर शिफ्ट कर रही थी. हमने अभी गुड़गांव में नया घर लिया है, तो मैं वहाँ शिफ्ट करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला. सो तो मैंने कुछ अपनी मैं आपसे कुछ लाइव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी अपने के इन 15 दिन, मतलब ये 15 दिन मैं जिम नहीं जा पाई, तो इस 15 दिनों में मैंने अपनी बॉडी में बहुत से चेंजेस देखे हैं. तो मैं आपको वो चेंजेस आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपको भी पता चलना चाहिए अगर आप जिम छोड़ते हो. बहुत से ऐसे मौके आते हैं आपकी लाइफ में, मुझे भी पता है. सो कि आप जिम नहीं जा पा रहे या आपको 10 दिन या 15 दिन या कभी कभी 1 महीने भी आपको जिम छोड़ना पड़ता है, तो उसमें आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं. तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, एंड इनफैक्ट आप कहीं भी आप पढ़ोगे तो आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे. सो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें फील होने वाली हैं कि अगर आप जिम छोड़ोगे. सो पहला जो बेसिकली 5-6 पॉइंट्स हैं जो मैंने देखे अपने साथ चेंजेस फील किए. सबसे पहला ये कि आपकी जो VO2 मैक्स है, ठीक है, VO2 मैक्स का मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वो आपकी कम होने लगती है. सो VO2 मैक्स के बारे में मैं समझाना चाहूँगी आपको. VO2 मैक्स का मतलब जब हम इनहेल करते हैं एयर इनहेल करते हैं, तो उसमें से हमारी बॉडी जो है एयर में से ऑक्सीजन ग्रैब करती है अपनी जो हमारी मसल्स हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. सो जब मैं एक्सरसाइज करती थी, रेगुलर वर्कआउट में थी, तो मेरी जो VO2 मैक्स थी, मतलब मेरा जो ऑक्सीजन जो था, मैं इनहेल करती थी तो मेरी बॉडी उसमें से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करती थी और मेरी बॉडी को प्रोवाइड करती थी एनर्जी. अब जब एक्सहेल करते हो आप, तो क्या होता है, आप उस CO2 में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो, उसमें से ऑक्सीजन भी रहता है. ऐसा नहीं होता कि आपकी पूरी बॉडी ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया है और बॉडी में चला गया. तो अब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका जो ऑक्सीजन का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है. जैसे ही मैंने एक्सरसाइज छोड़ा, वैसे ही मेरी वो एक हफ्ते के बाद मेरी जो VO2 मैक्स, मतलब मेरी जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी थी, उस एयर से मेरी जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी. सो आई होप आपको मैं क्लियरली समझा पाई हूँ ये पॉइंट. सो बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी थकना शुरू करती है, मतलब आपको थकान जल्दी होने लगती है, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती, आपकी जो मसल्स है उसको ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, राइट, जिसकी वजह से आप थका फील करते हो हर टाइम अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो. दूसरा पॉइंट ये कि आपकी जो स्टैमिना है वो कम होने लगती है. तो दैट इज वेरी मच ऑब्वियस कि अगर आपकी जो स्टैमिना पहले थी, अगर आप 10 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ पाते थे, तो बट ऑब्वियस है कि एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद अगर आप छोड़ दोगे और उसके बाद शुरू करोगे या 1 महीने के बाद शुरू करोगे, वही टाइमिंग आपको नहीं मैच होगी. आपकी जो स्टैमिना होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत ही कम नहीं लेकिन यस डिक्रीज हो जाएगी. तीसरा पॉइंट ये कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब आप 100 kg पहले उठाते थे डेडलिफ्ट, तो अगर आप 1 महीने बाद या 15 दिन के बाद चालू करोगे अपना वर्कआउट, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसमें भी आपको लगेगा कि यार मैं नहीं उठा पा रहा 100 kg, अब नहीं उठा पा रहा. सो दिस इज ऑल्सो ट्रुथ के आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, ठीक है. जो चौथा पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो मसल्स है वो नीचे गिरने लगती है, आपकी मसल्स जाने लगती है. दिस इज द रियल ट्रुथ गाइस. ये मैंने भी फील किया है कि आपकी जो मसल्स होती हैं, अगर आप उसको वर्कआउट करना छोड़ दोगे, आपकी जो मसल्स हैं वो अपने सर्वाइवल मोड में आ जाती हैं और वो कम होना शुरू कर देती हैं. हालांकि कम होना इतना ज़्यादा नहीं होता, सो बहुत ही कम फेज में, मतलब अगर आप लंबे समय तक वर्कआउट नहीं करोगे तभी बहुत ज़्यादा वो श्रिंक होने लगती हैं या कम होने लगती हैं, जिसको हम अट्रॉफी कहते हैं, मतलब मसल्स का कम होना. सो आपको
थोड़ा सा इस चीज पे यू नो ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा लंबा गैप नहीं रखना, मतलब 10 दिन 15 दिन, 1 महीना या 2 महीना आप एकदम ही वर्कआउट करना बंद कर दोगे तो आपकी मसल्स जाने लगेंगी। सो पांचवा पॉइंट हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये कि आपकी मसल्स तो जाने लगती है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में फैट भी बढ़ने लगता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आप कैलोरीज बर्न करना कम कर देते हो, आप कैलोरीज उतनी खाते हो या ज़्यादा हो जाती है आपको नहीं आइडिया रहता। सो आपका जो बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग भी फील होने लगती है। सो वो फैट की वजह से आपके जितने भी बॉडी में चेंजेस हैं वो आपको फील होने लगेंगे, आपकी स्टैमिना, आपकी स्ट्रेंथ, आपका सब कम होने लगेगा। सो फ्लफीनेस आने लगेगा बॉडी में, आपकी जो मसल्स की जो क्वालिटी थी, मतलब स्किन पहले बहुत पतली दिखेगी, जब आप फैट बढ़ जाएगा तो आपकी जो फ्लफीनेस की वजह से आपकी मसल्स भी इतने अच्छे से ग्लो नहीं करेंगी। तो दिस हैपेंस जब आप 10 से 15 दिन या 1 महीना आप वर्कआउट छोड़ दें। सो ये कुछ चेंजेस थे जो मैंने अपनी बॉडी में देखे। सो मैं आपसे यू नो गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप ये फेस में हो कि अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कुछ दिन से या यू नो कोई रीजंस की वजह से आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि कुछ कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान देने। सो ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको जो ध्यान देने हैं वो मैं आपको अगली बार बताऊंगी, ठीक है, इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही था। सो बाय बाय, टेक केयर।